It is nice to know that Indian Railways is organizing a vigilance fortnight to focus on preventive vigilance. As we go along, bringing transparency into the system, making sure that all transactions that the railways have are fully above board. Also, we must ensure in railways, and which I am going to insist, is an internal audit system. We must have, there are CAG audits which happen post transaction, but you must have internal audits on an ongoing basis to find out whether there is a management element which is also brought into it to ensure that whatever expense we incurred or whatever transaction we do results into the desired results. And that is why we must try to work on the system. I am very happy nonetheless that we are making a beginning in bringing in preventive maintenance as a tool that the management will employ to ensure that vigilance activities are integrated into the entire mainstream of railways activities. यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत जो विषय चुना है निवारक सतर्कता सुशासन की कुंजी है. यह एक सामाजिक विषय है और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था देने में काफ़ी कारगर होगा. मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अनेक उपाय इस संस्थान के द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें यह विषय भी रेल कर्मियों को जागरूक बनाएगा और भ्रष्टाचार समाप्त करने में एक सराहनीय कदम होगा. मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस विषय के कारण और इस सप्ताह के कारण हमारे रेल कर्मी और सन्नद्ध होकर के भारतीय रेल को जागरूक बनाने में और भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे. साथियों, भारतीय रेल हमारी लाइफलाइन है. ये पिछले 160 वर्षों से भी अधिक समय से हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाती रही है. आज हम रेल के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि रेल एवं रेलवे परिसर एक तरह से हमें हमारे घर के जैसा ही लगता है. लेकिन बढ़ती जनसंख्या का भार एवं बदलते समय के साथ साथ यात्रा में कुछ चुनौतियां भी हैं. साथ ही है एक यात्री होने के नाते आपके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां भी. रेल मंत्रालय लगातार आम जनता को जागरूक एवं सतर्क रहने के लिए विभिन्न माध्यमों को अपनाते हुए हमें प्रेरित भी करता रहता है. टिकट कटवाना भी इनमें से एक है. जान पहचान या झूठे वादे के नाम पर हम अक्सर अपना रेल टिकट जल्दबाजी में बिना जांचे किसी गैर लाइसेंसी एजेंट से करवा लेते हैं. वो एजेंट अपनी साख बनाने के लिए हमें टिकट करवा भी देता है, जिसकी धांधली का हमें पता नहीं चल पाता और फिर हमें आगे चलकर परेशानी से दो चार होना पड़ता है. बनारस में रहने वाले एक होनहार नौजवान राजू ने रेलवे विभाग में टिकट चेकर की नौकरी पास की. दिल में उमंग लिए राजू अपनी पहली नौकरी को ज्वाइन करने का अरमान लिए अपने पिता श्री रमेश के साथ निकल पड़े. और जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो बेटा टाइम बहुत होना है, तुम चलो चलो चलो. आपकी टिकट ये राजू, देखो टीटी साहब आ गए. आइए आपकी टिकट. आपका नाम क्या है? रमेश. और ये हमारा बिटवा राजू. लेकिन आपकी टिकट तो कंफर्म नहीं है. हाँ, वो तो ठीक कह रहे हैं टीटी साहब, पर क्या करें, जाना भी जरूरी था. बच्चे की नौकरी ज्वाइन करने का सवाल है. हमने पूरा कोशिश किया था कि हमको कंफर्म टिकट मिले, पर वो एजेंट पूरा पैसा भी ले लिया और कहा कि चाचा जाओ,
ट्रेन में पहुंचते पहुंचते तुम्हारा टिकट एकदम कंफर्म करवा देंगे पक्का। देखिए रेलवे के अपने कुछ नियम और कायदे होते हैं, आपको उनका पालन करना चाहिए। एक तो आपने बिना लाइसेंसी एजेंट से टिकट ले लिया और ऊपर से उसको टिकट कंफर्म करने के लिए पैसे दे दिए। देखिए अगर लास्ट मोमेंट तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, अंतिम समय तक अगर आपकी टिकट वेटिंग में हो तो आपको रेलगाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। पर बताया ना टिट्टी साहब, हमारा जाना बहुत जरूरी था, एक नौकरी का सवाल है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बहुत पहले आ गया होगा, आ गए होगी ना, और आपने टिकट कब करवाई? यही कोई 3-4 दिन पहले, और वो भी नकली एजेंट से। देखिए जबकि आपको मालूम है कि आप अपनी यात्रा से 120 दिन पहले टिकट करवा सकते, यानी 4 महीने पहले आप किसी भी क्लास की टिकट करवा सकते हैं। छोड़िए ना टिटी साहब, कुछ ले दे के बात को यही खत्म करते हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हो आप, आपको शर्म नहीं आती? अरे एक तो आप गलती पर हो और ऊपर से हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। आप जानते हैं वेटिंग वाली टिकट के साथ यात्रा करना बिना टिकट यात्रा करने के बराबर है, ये कानूनन जुर्म है और पकड़े जाने पर आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन टीटी साहब हमको तो यह स्टेशन पर आकर पता लगा चार्ट देखने के बाद कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, और हमारा जाना भी बहुत जरूरी था, ट्रेन छोड़ भी तो नहीं सकते थे ना। देखिए इसका भी उपाय है, आप अपने PNR नंबर द्वारा अपने कंफर्म सीट की ताज़ा स्थिति इंडियन रेलवे की वेबसाइट www.indianrail.gov.in पर ऑनलाइन जान सकते हैं। और तो और आप अपनी यात्रा संबंधी सारी जानकारी 139 पर कॉल करके भी जान सकते हैं। अरे ये सब सुविधाएं तो यात्रियों को दिया है इंडियन रेलवे ने। यही तो बात है, हम लोगों के पास जानकारी होती नहीं और इसीलिए हम लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। देखिए जानकारी कम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन जानकारी को बढ़ाना चाहिए, अरे सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे रेलवे के सभी टिकट आप सभी रेलवे स्टेशनों की खिड़की पर ले सकते हैं, और इंटरनेट के जरिए www.irctc.co.in की वेबसाइट पर ऑनलाइन आप ले सकते हैं, और टिकट सुविधा केंद्र जो कि अब हर जगह खुले हैं वहां से भी आप रिजर्व अनरिजर्व दोनों तरह के टिकट ले सकते हैं। और अब तो मोबाइल आपके पास है, अब तो मोबाइल से भी आप टिकट बुक करा सकते हैं सामान्य तरीके से यात्रा से 120 दिन पहले और तत्काल में सिर्फ 1 दिन पहले। आप ठीक कह रहे हैं टीटी साहब, हमें इन बातों की जानकारी नहीं होती और इसीलिए हम लोगों को एजेंट के पास जाना पड़ता है, उनके मन मुताबिक पैसा देते हैं और वो कोई सी भी टिकट करवा के दे देते हैं जो कन्फर्म भी नहीं होती। लेकिन टीटी साहब अब आप ही बताइए, अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? अच्छा आप जरा रुकिए, हम चार्ट देखकर बताते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। जी कोई बर्थ खाली है भी कि नहीं? अरे वाह बड़े खुशकिस्मत हैं आप, अरे आज का सारा RAC क्लियर हो चुका है और लिस्ट के हिसाब से आपकी वेटिंग नंबर 1 और 2 है और हमारे पास सिर्फ 2 ही बर्थ खाली चल रही है, आप जाकर वहां शिफ्ट हो जाइए। और हाँ ये लीजिए और पीस ऑफ माइंड यात्रा कीजिए। देखिए मैंने कहता था ये हमारा सतर्कता विभाग है, इसका काम है भ्रष्टाचार को हटाना, ये नियमित रूप से ऐसे चेकिंग करते रहते हैं। देखिए इससे न सिर्फ रेलवे की छवि अच्छी रहती है बल्कि लोग भी ईमानदारी से टिकट लेकर एक जिम्मेदार यात्री होने का परिचय देते हैं। एक मिनट साहब, हम वो एजेंट से ही ना अपना लौटने का टिकट भी करवाए हैं 2 दिन बाद का, वो भी वेटिंग में। देखिए अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो आप उसे कैंसिल करा दीजिए, और जिस दिन आपने यात्रा करनी होगी उससे 1 दिन पहले आप तत्काल कोटे से रिजर्वेशन करा सकते हैं। देखिए ये आप किसी भी रेलवे स्टेशन की विंडो ऑथेंटिक एजेंट या IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं। AC के लिए जो है वो सुबह 10 बजे से रिजर्वेशन शुरू हो जाती है और non-AC के लिए 11 बजे से, यानी 1 दिन पहले से आपको ये रिजर्वेशन करानी होती है, और उसके बाद पीस ऑफ माइंड यात्रा कीजिए। जी धन्यवाद, चलो बेटवा अपनी कंफर्म सीट पर चलते हैं।
आ जाओ। आओ बेटवा, ये हमारा सीट। आइए बैठिए भाई साहब, बैठिए। हाँ वही ना, एकदम पीस ऑफ माइंड वाली यार। जी यहाँ रखो बेटो। भाई साहब, यात्रा में अगर आराम ना हो ना तो सफर का मजा ही नहीं आता। बिल्कुल जी, आप अभी से ना अपनी यात्रा एकदम आराम से बातचीत करते हुए बीतेगी। वैसे आप क्या काम करते हैं सर? बस हम रेलवे में टेंडर बन जाते हैं। अरे वाह, तो आप बहुत बड़े बड़े काम करते होंगे। भाई साहब, हमने भी कई बार सोचा कि रेलवे के लिए कुछ काम करें, पर हमें इसकी कुछ जानकारी नहीं होती कि ये सब कैसे होता है। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, अब सब आसान है। ना तो कहीं भागा दौड़ी का चक्कर और ना ही किसी तरह का छिपना छिपाना, क्योंकि रेलवे में अब हर टेंडर ऑनलाइन हो गया है। बस आप www.irepes.gov.in पे जाएं तो रेलवे के सभी टेंडर सबके लिए उपलब्ध है। इसको ई प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। बस आप इसके वेबसाइट पे जाइए और अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाइए। पंजीकरण के बाद आप कहीं से भी अपने पसंद का टेंडर भर सकते हैं। मतलब ये कि दिल्ली का टेंडर आप चेन्नई में बैठ के भर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस आप घर में बैठकर अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। बस उस टेंडर के लिए आप अपना दर भरिए। अगर आपने सबसे उचित दर पे रेलवे को सबसे अच्छी सुविधा दी तो रेल विभाग बगैर भागा दौड़ी के आपको अवार्ड करेगी। अरे वाह, यानी आपको झंझट ही नहीं है। जी हाँ, अब रेलवे अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अपने सभी क्षेत्र में कर रही है ताकि इससे सभी कस्टमर को सुविधा आसानी से मिले और सारे काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, और वो भी जल्दी। क्या बात है, यानी यात्रा के साथ साथ अब टेंडर वाला काम भी एकदम पीस ऑफ माइंड वाला है। स्टेशन मास्टर साहब से मिलना था। क्यों, क्या हुआ? बेटे का टीटी में हुआ है, उसी की नियुक्ति के सिलसिले में। नियुक्ति? स्टेशन मास्टर साहब, एक और नियुक्ति आई है। क्या हुआ सर, कोई सीरियस मामला है? सब ठीक तो है ना? आप आइए। लीजिए पानी। आखिर बात क्या है सर? दरअसल आज सुबह एक गिरोह पकड़ा गया है, वो नकली एग्जाम को एकदम असली तरह से करता है। लेकिन सर, मैंने तो असली में परीक्षा दी थी, है ना पापा? और साथ में रिटर्न और इंटरव्यू दोनों क्लियर किए थे सर। हाँ, वो गिरोह भी रिटर्न एग्जामिनेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और मेडिकल सब कुछ करता है। और तो और वो ज्वाइनिंग लेटर भी भेज देता है ताकि परीक्षार्थियों को शक न हो, और इसी दौरान धीरे धीरे परीक्षार्थियों से इतने पैसे वसूल करता है, ये फीस वो फीस, ये फाइन वो चार्ज,
और इन सब के बाद वो कॉशन डिपॉजिट के नाम पर 2 से 3 लाख की मांग करता है ताकि किसी को शक न हो। और मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी यही हुआ है। आपने इंडियन रेलवे की आरआरबी वेबसाइट देखी? देखनी चाहिए थी, नई नियुक्तियों से जुड़ी हर जानकारी वहां पर होती है। कई बार तो अलग अलग कैटेगरी नियुक्तियों के लिए एग्जाम भी ऑनलाइन ही होते हैं जिससे कि फ्रॉड से छुटकारा मिले। लेकिन हमें तो ठग लिया गया है सर। देखिए, हम हर रेलवे फाटक के पास लिखते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन सर अब तो दुर्घटना घट गई, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं सर? आपको ठगने वाला गिरोह पकड़ा जा चुका है, नौकरी तो आपको एग्जाम पास करके ही मिलेगी। हाँ, लेकिन गिरफ्तार किए गए आरोपियों से ठगी का माल वसूल करने के लिए हम लोग पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं राजू बेटा, रोते नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं, दिल छोटा मत कर मेरे बच्चे। अरे हो जाती है अनजाने में ऐसी गलतियां, हो जाती है, सबसे हो जाती है। तू पढ़ा लिखा समझदार है मेरा बेटा, है? तेरे पास अभी बहुत से मौके हैं, बहुत से मौके बच्चे। मैं जानता हूं अगली बार तू इससे भी अच्छी परीक्षा में पास होकर पहली बारी में नौकरी ले लेगा। मुझे तुझ पर गर्व है राजू बेटा, गर्व है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे तो और भी मौके मिल जाएंगे और फिर राजू को दूसरी नौकरी जल्द मिल जाएगी। लेकिन स्टेशन मास्टर साहब, ये कैसे हो सकता है कि कोई एक गिरोह इतने बड़े पैमाने पर ये काम कर सके? ये बात क्या विश्वास करने योग्य है? यही तो विश्वास करने वाली बात है सर। दरअसल हमारी इसी कम जानकारी का फायदा एग्जाम स्कैम करने वाले गिरोह उठाते हैं। अब देखिए, रेलवे की ग्रुप सी की परीक्षा आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आयोजित करती है और उसमें सबसे पहले विश्वसनीय सूचना रोजगार समाचार में छपती है और इसके अलावा www.indianrailways.gov.in की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में सभी 21 आरआरबी के नाम होते हैं, समझ गए? और जिस भी बोर्ड पर क्लिक करोगे वहां उसका पेज खुलेगा जिस पर उस बोर्ड द्वारा निकली हर तरह की वैकेंसी आपको वहां दिखाई देंगी। आप यहां ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आरआरबी कभी भी परीक्षार्थियों के कहने पे परीक्षा की तारीख या समय नहीं बदलती। हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरह की जरूरत होती है, इसलिए उससे संबंधित हर तरह की परीक्षाएं ली जाती है। यानी परीक्षा संबंधित जितने भी काम हैं, सब आरआरबी के जिम्मे हैं, यही ना? हाँ। अब जैसे राजू ने टिकट चेकर के लिए अप्लाई किया है तो इसका मतलब ये है कि रेलवे की नॉन टेक्निकल पद के लिए आवेदन किया है। इसके लिए आरआरबी 2 चरणों में परीक्षा लेती है, पहले चरण में लिखित, अगर इसमें पास करके इसके मेरिट लिस्ट में आ गए तो दूसरे चरण में स्किल टेस्ट यानी उसके तहत हिंदी या अंग्रेजी की टाइपिंग परीक्षा होती है और अगर इसे भी पास करके वो इसके मेरिट लिस्ट में आ गए तो समझिए कि राजू बन गया जेंटलमैन। हालांकि राजू की मेहनत और तैयारी बेकार नहीं गई और उसने इस घटना से सबक लेते हुए जल्द ही रेलवे की असली परीक्षा पास की और आज वो फिर से उसी पद पर बहाल हुआ। लेकिन राजू की कहानी हम सबके लिए एक सीख है, हमारे जागने की सीख, जांचने परखने की सीख। रेल मंत्रालय का विजिलेंस विभाग भी आपके साथ है और आपकी परेशानियों को समझता है। तो आइए अब सुनते हैं कुछ संदेश और जानते हैं कि अभी रेलवे का विजिलेंस और अन्य विभाग और क्या नए नए कदम उठा रहे हैं। भारतीय रेल मासस से जुड़ी हुई है, हम डेली करीब 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, हम फ्रेट भी करीब 3 मिलियन टन प्रतिदिन कैरी करते हैं। इतने
बड़े कस्टमर बेस को हैंडल करने के लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे प्रोसीजर्स सिंपल हों, ट्रांसपेरेंट हो और कस्टमर फ्रेंडली हों। इसके लिए हमने डिजिटल माध्यम का उपयोग किया है। इसमें ई टिकटिंग शामिल है जो पैसेंजर्स को रिजर्वेशंस और टिकट लेने में मदद करती है ट्रांसपेरेंट तरीके से। सिमिलरली फ्रेट के लिए हमारे यहाँ रेक्स वगैरह का अलॉटमेंट भी कंप्यूटराइज्ड है। हम रेल सेवाओं के लिए हमें वर्क्स जो करने होते हैं और जो हमें सामान की ज़रूरत होती है वो हम ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करते हैं। रेलवे में रिक्रूटमेंट भी अब हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया है, जिससे हमारे सारे कस्टमर्स और उपभोक्ता जो रेल की सेवाओं से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सुविधा अवेल करने में आसानी हो सके। मेरी सभी उपभोक्ताओं से ये अपील है कि रेलवे के प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंट हैं, हमारी वेबसाइट पर सारे डिटेल्स अवेलेबल हों, वो किसी भी प्रोपेगेंडा और किसी भुलावे में आके ना आए और जो तरीका है सही तरीका हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका उपयोग करके हमारी सेवाओं का उपयोग करें। भारतीय रेल ने एक सशक्त एवं अच्छा मैसेज देने के लिए इस फिल्म को जन जन तक पहुंचाने का एवं जन जागरण के लिए एक अभियान चलाने का एक उत्तम प्रयास किया है। मुझे ये विश्वास है कि इस फिल्म द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि वो सतर्क एवं सशक्त भारत के निर्माण में एक कदम उठाए। इंडियन रेलवेज बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स एंड सिंस इट टचेस द लाइव्स ऑफ मोस्ट ऑफ अस, वी हैव शॉर्टलिस्टेड इंडियन रेलवेज टू डू दिस फिल्म। आई एम ग्लैड दैट दिस एजुकेटिव एंड इंस्पायरिंग एपिसोड हैज डेल्ट विद ऑल द रेलेवेंट इश्यूज सच एज टिकेटिंग, टेंडरिंग and recruitment process adopted by the railways. Railways has taken up the technological upgradation and automation in a large way, and thus it has introduced transparency and has also simplified its processes through optimum use of technology. The film raises the awareness of the public about the positive steps taken by the railways towards promoting good governance. I appeal to one and all to unite to fight the menace of corruption and to ensure that we don't give an opportunity for others to cheat us in the form of corrupt practices. Satark Bharat, Sashakt Bharat. Rahiye satark aur baniye samajhdar yaad.